सामने से जरा एक और फोटो कॉपी किया, किसी को फोटो कॉपी कर अलग अलग 10-20-25 नोट में सारी सीरीज चल जाएगी, उसमें भी सब सेम है ना, 71-70 में भी सब सेम है। हाँ वही उसका विशेष बात है। कोच थाना अंतर्गत एक ट्रैक्टर की घटना हुई थी, जिसकी सूचना जो है ट्रैक्टर वाले द्वारा कोच थाना को दी गई। सूचना के आलोक में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जीटी रोड पर अपराधियों की घेराबंदी की। उस क्रम में चोरी किए गए ट्रैक्टर के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किए गए। उसके बाद उनसे पूछताछ के क्रम में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिस गिरोह द्वारा विशेष रूप से ट्रैक्टर और टेम्पो की चोरी की जा रही थी। इसके अलावा जो लोग शराब लेकर आ रहे थे उनसे भी मारपीट करके शराब और गाड़ियां छीन ली जा रही थी। और अंत में जो है ये भी खुलासा हुआ कि गिरोह द्वारा बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर नकली नोटों का भी जो है संचालन किया जा रहा था, फोटो स्टेट मशीन द्वारा लगाकर बड़ी संख्या में। इस कार्य बड़े गिरोह का पर्दाफाश गया जिले की विशेष पुलिस टीम द्वारा किया गया है, नगर पुलिस अधीक्षक गया के नेतृत्व में, जिसमें बड़ी संख्या में शराब की बरामदगी हुई है, 2 वाहन बरामद हुए हैं, बड़ी संख्या में नकली नोट लगभग 1 लाख रुपए की नकली नोट बरामद हुई है, और फोटो स्टेट और जो दूसरे उपकरण हैं नकली नोट बनाने के लिए उनकी भी बरामदगी की गई है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे पूछताछ के क्रम में कुछ अन्य लोगों का भी नाम सामने आया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार और सीमावर्ती झारखंड के भी कुछ जिलों में छापेमारी चल रही है। अभी तक के अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि इस गिरोह द्वारा बिहार के विशेष रूप से जहानाबाद, गया और औरंगाबाद जिलों में वाहन चोरी की घटनाओं में और शराब की सक्रिय रूप से वो किया जा रहा, अपराध किया जा रहा।